साथियों, जो खेल इन्होंने आपके स्वास्थ्य के साथ किया, वही खेल किसानों के साथ भी कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के जिन 12 करोड़ किसान परिवारों को हम सीधी मदद बैंक खाते में दे रहे हैं, हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में 12 करोड़ किसान परिवारों को पहुंचने वाले, उनमें से एक भी उड़ीसा का किसान नहीं है। देश के किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उड़ीसा के किसानों के सामने यहां की सरकार राजनीतिक कारणों से दीवार बन के खड़ी हो गई है, क्योंकि यहां की सरकार ने जो किसान लाभार्थी है उनकी सूची भी देने की उनको फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं, खुद जो किसानों की मदद का वादा किया था, उस योजना का हाल क्या है ये आप सभी देख ही रहे हैं। हाल में मीडिया में आया था कि किसानों के नाम पर यहां फर्जी लोगों को मदद देने का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल पड़ा है। ये खेल अब बंद होने का समय आ गया है। साथियों, यहां की सरकार कैसे काम कर रही है, इसका एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। आपके इस चौकीदार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक और नई व्यवस्था की शुरुआत की है। यहां से जो खनिज निकलता है उसका एक हिस्सा यहां ही विकास में लगाना सुनिश्चित किया है। आप यहां से सब ले जाओ, ये मोदी के राज में नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड में उसके कारण उड़ीसा को लगभग 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ छोटे आंक नहीं है, लेकिन यहां की सरकार ने 6,500 करोड़ में से गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया, 5,500 करोड़ रुपए ऐसे ही सड़ रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्या ऐसी सरकार जो आपके पैसों को तिजोरी में बंद करके बैठ गई है, ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? क्या ओडिशा में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उन्हें विदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?